नमस्कार। ओवैसी की पार्टी AIMIM का क्या हाल रहेगा आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में? जी हाँ, बिहार में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीधे मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं। एकाध अपवादों को छोड़ दें तो इन सीटों पर अब तक कमोबेश राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता आया है। उदाहरण के तौर पर हम किशनगंज विधानसभा की सीट को देख सकते हैं। यह सीट एक तरह से कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े या फिर गठबंधन में चुनाव लड़े, किशनगंज सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट जैसी हो गई थी। जिस दौर में बिहार की 243 सीटों में से महज 4 सीटें कांग्रेस को मिला करती थी, उस दौर में भी, कह सकते हैं कि उस बुरे दौर में भी, किशनगंज ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा था। लेकिन वक्त बदला तो परिस्थितियां भी बदल गई। मुस्लिम बहुल किशनगंज पर आज की तारीख में ओवैसी की पार्टी MIM का कब्जा हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब देश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के NDA गठबंधन की सुनामी चल रही थी, उस दौर में भी ओवैसी की पार्टी को किशनगंज लोकसभा सीट पर 2.25 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल हुए थे। वही जब यहां से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले डॉक्टर जावेद की छोड़ी हुई सीट पर उपचुनाव हुआ, तो MIM ने एक बार फिर से किशनगंज विधानसभा के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। इस त्रिकोणीय और दिलचस्प मुकाबले में MIM प्रत्याशी कमरुल होदा ने भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह को 10,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे नंबर से ही संतोष करना पड़ गया। उसके बाद से ही बिहार में ओवैसी समर्थकों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी MIM ने करीब 24 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महागठबंधन की आंधी में MIM के सभी उम्मीदवार उस चुनाव में जमींदोज हो गए थे। बिहार में करीबन 17% मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि MIM को बिहार की राजनीति में अपने लिए काफी संभावनाएं नजर आती हैं। खास तौर पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन NDA के लिए तो ओवैसी किसी तोहफे से कम है ही नहीं, क्योंकि इन दिनों बिहार के मुस्लिम नौजवानों में ओवैसी का काफी क्रेज देखा जा रहा है। खास करके जब किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद से MIM के समर्थकों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही ओवैसी बिहार की राजनीति में एंट्री करने के लिए बेकरार थे और उनका यह सपना किशनगंज उपचुनाव जीतकर पूरा भी हो गया। जाहिर है कि दूसरे राजनेताओं की तरह अब ओवैसी की महत्वाकांक्षा भी बिहार में अपना जनाधार, अपना वोट शेयर और अपनी सीट बढ़ाने पर होगी। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में ओवैसी जितना ज्यादा मजबूत होंगे, महागठबंधन को उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को जीतने के बाद ही MIM के बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्साह में यह बयान दिया था कि हम आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग ओवैसी को RSS का मुस्लिम वर्जन बताते हैं और कहते हैं कि राजनीति में किसी भी प्रकार की कट्टर विचारधारा का मजबूत होना न तो समाज के लिए अच्छा है और न देश के लिए। फिलहाल बहुत कुछ समय के गर्भ में छिपा हुआ है, आगे क्या होगा इसके लिए अभी कुछ महीने आपको इंतजार करना ही होगा। धन्यवाद।